बड़ी खबर आ रही इस वक्त की। 3 दिवसीय भोपाल दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां, भोपाल का दौरा रहेगा 3 दिन का ज्योतिरादित्य सिंधिया का। 22 जून को भोपाल आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और 24 जून को बीजेपी कार्य समिति की एक बैठक होगी, उस बैठक में वो शामिल होंगे। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं संवाददाता। दीपा, 3 दिवसीय भोपाल दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, कहां कहां वो जाएंगे, क्या कार्यक्रम है? जिस तरह से हमने देखा है कि भले ही बात की जाए, जब भी कोई बड़ा निर्णय होने वाला होता है तब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है राजस्थान से उनका आना होता है। उनके बीच 23 और 24 तारीख को भी, यानी 23 और 24 जून को ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भोपाल में रहेंगे। कई लोगों से, जिस तरह से जो भी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उन सभी से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान जी उनसे भी मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी शर्मा जो है उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा जो कार्य समिति की बैठक होने वाली, काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। इस बैठक के अंदर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, ये शिरकत करेंगे, कई कार्यक्रम दीपा आपने बताए हैं और लगातार ये 3 दिन का भोपाल दौरा भी है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। क्या वजह इस दौरे की मानी जाए और क्या सीधे सीधे अब जनता से जुड़ने की जो कोशिशें हैं वो हो रही हैं? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अपना अलग अंदाज रहा है, जब वो कांग्रेस पार्टी में रहे तब भी, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तब भी, जनता से जुड़ाव वो चाहते हैं, कनेक्टिविटी वो चाहते हैं कि हमेशा वो बनी रहे, वो गैप ना हो। जी निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि एक कनेक्टिविटी, और ये कहा जा सकता है कि जमीन से जुड़े हुए नेता उन्हें माना जाता है। और वो हमेशा जो अपनी जनता है, बात करें ग्वालियर की या फिर पूरे मध्य प्रदेश की क्यों ना बात करें, जनता से हमेशा रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका जो समाधान है वो भी समय से किया जा सके। तो निश्चित तौर पर जहाँ कोरोना काल के बीच वो कहीं ना कहीं जो जनता से एक कनेक्टिविटी थी, उनकी जो जमीन से जुड़ाव जो था उनका, वो कहीं ना कहीं गुम होता हुआ नजर आ रहा था। एक बार फिर से कहा जाए कि मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश में भी और साथ ही साथ जो जनता है उनके बीच में भी, दोनों ही जगहों पर अपनी एक बार फिर से वो जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं लगातार भोपाल के दौरे वो कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि कुछ समय पहले भी वो भोपाल आए थे, अब एक बार फिर से भोपाल आ रहे हैं जहाँ पे कार्य समिति की बैठक में तो वो शिरकत करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही वो कहा जाए कि जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं उन सभी से वो मुलाकात करेंगे, सबसे पहले जनता से भी मिलेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनकर समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। जी आप बने रहे दीपा, आगे आपसे अपडेट और लेंगे कुछ और खबरों पर। तो ये 3 दिवसीय भोपाल दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिसकी पूरी जानकारी दीपा ने हमें दी है। 22 जून को भोपाल आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश में लंबे समय के बाद प्रदेश बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक 24 जून को होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली माध्यम से इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के पदाधिकारी, इसके साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में जुड़ेंगे पदाधिकारी, साथ ही साथ जिले के पदाधिकारी वर्चुअली तरीके से बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का यह कहना है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी की रणनीति तय करना है, साथ ही क्या क्या कार्यक्रम पार्टी के होंगे इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। समिति की बैठक 24 तारीख को वर्चुअली होगी और उसके अंतर्गत माननीय जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे, हम सबको संबोधित करेंगे। सभी कार्यकर्ता जो प्रमुख लोग भोपाल में रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव, माननीय मुख्यमंत्री जी पंकजा मुंडे और विश्वेश्वर टूडू हमारे सह प्रभारी, साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री और जो लोग जिस जिले में अपेक्षित हैं, प्रदेश जिला कार्यालय के साथ एक अच्छे वातावरण में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी। उसमें एक रेजोल्यूशन आएगा पॉलिटिकल, साथ में ही एक कोविड को लेकर के हम रेजोल्यूशन लाएंगे, शोक प्रस्ताव पारित होंगे, आगामी हमारे कार्यक्रम, आगामी हमारी रणनीति, इन सारे मुद्दों पर और अपने संगठनात्मक काम की सुदृढ़ता के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति बनेगी। दीपा लगातार हमारे साथ जुड़ी है। दीपा, बीजेपी कार्यसमिति की बैठक है, क्या एजेंडा इस बैठक में रहने वाला है, क्या चर्चाएं होंगी इस बार? हालांकि वर्चुअली तरीके से बताया जा रहा है कि कई लोग इस बैठक में पदाधिकारी जुड़ने वाले हैं। जी
पर एक काफी अहम बैठक हम इसे मान सकते हैं, कार्य समिति की जो बैठक है इसके अंदर कई महत्वपूर्ण निर्णय तो होंगे ही, लेकिन इस कहा जाए कि इस बैठक का जो मेन मोटिव है, हम कहेंगे वो मेन मोटिव यही है कि जो नए कार्यकर्ता जो जुड़े हैं या कहा जाए जो पदाधिकारी जो है उन्हें बीजेपी की जो कहा जाए की मेन एक कोर जो उनका है उससे जोड़ना, साथ ही साथ उनको जो भी एजेंडा है उनसे जोड़ना, साथ ही साथ आगे आने वाले समय में यानी कि जो आगामी जो भी प्रोग्राम बीजेपी के द्वारा किए जाने हैं उसकी एक कार्य की लिस्ट तैयार करना और किस तरह से उन कार्यक्रमों को जो कहा जाए कि पूरी तरीके से उन्हें सक्सेसफुल बनाया जाएगा उसके लिए जो रणनीति है उसे तैयार किया जाएगा। जिस तरह से जेपी नड्डा जो है वो इस बैठक की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ उनके द्वारा किया जाएगा, उसके बाद प्रदेश में होने वाली जो भी एक्टिविटीज है, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल के बीच काफी ज्यादा एक जो कहा जाए कि दूरी बन गई है और कहीं ना कहीं जो समाज से सामाजिक जुड़ाव जो था वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आया, तो एक बार फिर से जनता के बीच जाने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने तक की यानी 3 महीने तक की जो रणनीति है वो बीजेपी के द्वारा तैयार की गई है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में किस तरह से उसे उन चीजों को एग्जीक्यूट करना है और क्या कुछ रणनीति होगी, इन सारे विषयों को लेकर 24 तारीख को जो बैठक है उसके अंदर निर्णय लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बैठक लिए जाएंगे दीपा, और जैसा आपने कोविड का भी जिक्र किया, जाहिर है सरकार ने बहुत हद तक जो दूसरी लहर थी उसको रोकने के लिए बहुत प्रयास इसमें किए हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, कई लोगों ने तो अपनी सांसद और विधायक निधि से भी लोगों को सहायता प्रदान की है, कंसल्टेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयाँ वितरित की है, तो जाहिर है वो एक संकट था, धीरे धीरे वो टल भी रहा है, आने वाले वक्त में ऐसी समस्याएँ प्रदेश में ना हो, क्योंकि और दूसरी तरफ जो गैप आप कह रहे हैं कि बीच में बन गया था खासतौर पर नेताओं में, पार्टी कार्यकर्ताओं में और इसके अलावा जनता के बीच में जो कोविड की वजह से नेता नहीं जा पाए, अब उसको थोड़ा सा लगता है कि तेज करना पड़ेगा, फिर से पहली जैसी जो रफ्तार है वो पकड़नी होगी ताकि इस गैप को भरा जा सके, बीच में जो हमने देखा कि 2 से 3 महीने का जो गैप कोविड की वजह से हो गया था। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी में हमने देखा है कि वैसे भी शुरू से ही बैठकें जो होती हैं वो होती हैं, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति जो है भले कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो या कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो उसे कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है और समय समय पर बीजेपी के द्वारा ट्रेनिंग सेशन जो है वो किए ही जाते हैं, तो उसी कड़ी में एक बार फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में बदलाव की जरूरत है, या यूं कहा जाए कि ये वो समय था जब काफी ज्यादा कार्यकर्ता जो है पिछले 1 साल के अंदर वो बीजेपी से जुड़े हैं, तो उन सभी को बीजेपी की जो पार्टी की जो एक कहा जाए जो कार्यशैली है उससे रूबरू कराने के लिए भी काफी अहम इससे माना जाता है, और कार्य समिति की जब बैठक का आयोजन किया जाए तो निश्चित तौर पर शंकर ये बात कहना गलत नहीं होगा कि काफी महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में निकलकर सामने आएंगे और हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ निर्णय लेने और जिस तरह से आगामी चुनावों को देखते हुए भी क्या कुछ रणनीति बनानी है, इन सारे विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। वो ग्वालियर दौरे पर पहुंचे थे, यहां लोगों की ओर से बार बार बिजली कटने और समय पर बिजली नहीं आने की शिकायत से परेशान होकर वो खुद जांच करने पहुंच गए और समस्या को जानने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बता दें कि ऊर्जा मंत्री तोमर ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ग्वालियर दौरे पर थे, यहाँ लोगों ने उनसे बार बार बिजली कटने और समय पर बिजली न आने को लेकर शिकायत की। इसके बाद ऊर्जा मंत्री तोमर लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए सीढ़ियों के सहारे खंभे पर चढ़कर खुद उसे ठीक करने लगे और वहां जमा कचरे को हटाकर उन्होंने साफ सफाई भी की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने ट्रांसफार्मर पर झाड़ और पेड़ों की जो झाड़ियाँ थी, बिजली सप्लाई में उसे अवरोध माना जा रहा था, उसे हटाया। बिजली कंपनी के अफसरों की लापरवाही पर उन्होंने उन्हें जमकर लताड़ लगाई, साथ ही साथ आम लोगों से उन्होंने माफी भी मांगी। समस्या को लेकर बिजली नहीं मिलने की शिकायत से नाराज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने कहा कि यहां भी ट्रिपिंग होगी, जहां जाकर निरीक्षण करेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रशासनिक सर्जरी भी होगी। और खबर भोपाल से है। भोपाल में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिकित्सा शिक्षा विभाग की आगामी योजनाओं से अवगत कराया। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने यह कहा है कि कोविड और अन्य बीमारियों पर रिसर्च और स्टडी के लिए एक प्रदेश स्तरीय इंस्टीट्यूट भोपाल में बनाया जाएगा, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा कोर्स संचालित होंगे। साथ ही महिलाओं में
कैंसर के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए भी एक जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही दिग्विजय सिंह के पेड़ों की कटाई के आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय बाघ भ्रमण क्षेत्र में अपनी जमीन देखने गए थे। कांग्रेस खुद चाहती है कि दिग्विजय सिंह वनवास पर चले जाएं। इसके साथ ही विश्वास सारंग ने मिल्खा सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। मंत्री जी ने उन सभी बातों पर हमें सहमति दी है। हम इस जिस प्रकार से ये पेंडेमिक आया, जिस प्रकार से महामारी आई और ये देखने को मिला कि निश्चित रूप से इस तरह के संक्रमण के रोग और महामारी के स्टडी के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, इसलिए हमने निश्चित किया है कि भोपाल में हम स्टेट लेवल की पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे, जिसमें अलग अलग बीमारियों के बारे में शोध होगा, एपिडेमोलॉजी और बाकी विशेषज्ञ इसमें रहेंगे। और मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला आया है सीहोर जिले के निपानिया गांव का। शराब ठेकेदार देसी शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब खुलेआम दोगुनी कीमत पर बेच रहे हैं, जिसके चलते सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है। साथ में आबकारी नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं इस मामले पर आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस मामले के संज्ञान माने के बाद कार्रवाई की बात कही है। ऐसी कोई हमारे संज्ञान में कोई बात आई नहीं है। अगर आप अगर बता रहे हैं या स्पेसिफिक अगर कहीं ऐसी शिकायत होगी तो उसके बारे में विभाग निरंतर कार्रवाई करता है, ये हमेशा प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि अगर कहीं से इस प्रकार खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।